हाय, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि दो कलर से फंदे कैसे डालते हैं और दो कलर से फंदे डालने के बाद कैसे लगते हैं, तो आपको मैं सब बताने वाली हूँ। और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए सीखते हैं दो कलर से फंदे डालना। ये धागा मैंने 3 बार लपेट लिया है और इसको लपेटने के बाद अब हम ये देखिए, एक फंदा इससे इस तरह से बनाते हैं, इधर से इस तरह से, जिससे ये ऊन हमारी इसमें फंस जाए। एक फंदा मैंने इसका बना लिया है, अब इसी तरह से इसका भी करेंगे। ये है, इसको ऊन इसमें से डाली और इस तरह से इसमें से एक फंदा ले लिया। तो ये हमारे दोनों कलर के एक एक फंदे पड़ चुके। अभी हमको क्या करना है, अब एक बार इसका डालना, एक बार इसका डालना। कैसे डालना, ये वाली ऊन है, हम इसको इस तरह से करेंगे और इसको ये आगे से करेंगे। रखने वाला चीज है, जो मैंने दोनों को एक साथ डाला था, आपको बस इतना करना है। ये अब जैसे मैंने ये एक वाला फंदा डाल दिया, तो इसको इधर कर दिया और ये साथ एक बार इसको। अगर ऐसे ही डालेंगे तो किनारी नहीं बनेगी। केवल हमारे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस धागे को मैं किस तरह से मोड़ना, और मोड़ने से ही ये जो डिजाइन आ रही है। देखिए सफेद वाला डाल लिया, तो अब मैं इसको क्या करूंगी, इधर से